अगर आप रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अधिक पेंशन पाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 3 मई कर दिया है। ऐसे में बहुत सारे नौकरी पेशा लोग रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन पाने के लिए आवेदन करने की तैयारी में हैं। अगर आप भी नौकरी पेशा से जुड़े हैं और अधिक पेंशन पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं। इसको फॉलो कर आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। अगर आप 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं या अभी भी जॉब में हैं तो आपको क्या करना है, तो स्टेप पहली स्टेप क्या है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले ईपीएफओ सदस्य ई सेवा पोर्टल यूनिफाइड पोर्टल mem.epfindia.gov.in मेंबर इंटरफेस को खोलें। यहां पर आपको पेंशन ऑन हायर सैलरी टैब दिखाई देगा, इस टैब पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 2, एक नया होम पेज खुलेगा। 1 सितंबर 2014 से पहले सेवा में या उसके बाद नौकरी कर रहे कर्मचारियों ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आवेदन शुरू करने से पहले अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN जो है वो आपको लिखकर रखना है। इसके अलावा ईपीएफओ के रिकॉर्ड में सदस्य का आधार नंबर, नाम और जन्म तिथि दर्ज होना जरूरी है। सदस्य के पास आधार से जुड़ा एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना बेहद जरूरी है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 3, ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक कर आवश्यक विवरण दर्ज करें, यानी UAN, नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और कैप्चा। इसके बाद OTP प्राप्त करें, इसके विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आपको भेजा जाएगा। इसके बाद स्टेप 4, मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करने के बाद आपको अपने दिए हुए विवरण को सत्यापित करना होगा। अगर ईपीएफओ से पेंशन निधि में कोई समायोजन किया जाना है या निधि में कोई जमा किया जाना है तो आवेदन पत्र में आपकी सहमति मांगी जाएगी। अगर फंड को छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट से पेंशन फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है तो आपको भुगतान की तारीख तक ब्याज के साथ इस आशय का एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ आपके पास में जो दस्तावेज आपको जमा कराने होंगे वो कौन से होंगे वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित ईपीएफ योजना के पैरा 26/6 के तहत संयुक्त विकल्प का प्रमाण नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित 2014 पूर्व संशोधन ईपीएस के पैरा 11(3) के प्रावधान के तहत संयुक्त विकल्प का प्रमाण 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर भविष्य निधि में भेजने पैसा का प्रमाण 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन फंड में भेजने का प्रमाण, ऐसा जैसा भी जो मामला है उस हिसाब से आपको ये रखना होगा। स्टेप 5 क्या करना है, आपको सभी जानकारी सही भरी है इसको फिर से चेक कर लें। इसके बाद फॉर्म को सेव कर सबमिट पर क्लिक करें। आपके सबमिट करने पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा जिसे आपको संभाल कर रखना होगा। ईपीएफओ अधिकारी कैसे आवेदन पत्र की समीक्षा करेंगे, क्योंकि इसके बाद अब ईपीएफओ अधिकारी का काम शुरू हो जाता है, वो कैसे समीक्षा करेंगे वो आपको बताते हैं। एक बार आपके द्वारा आवेदन पत्र जमा करने के बाद क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक आवेदन पंजीकृत और डिजिटल रूप से लॉगिन किया जाएगा। आवेदन को एक टोकन नंबर दी जाएगी, RPFC एप्लीकेशन को एक ई फाइल में बदल देगा। RPFC के संबंधित सहायक दस्तावेजों की जांच करेंगे, यदि आवश्यक हो तो अनुभाग पर्यवेक्षक या फिर लेखाधिकारी को भेजेंगे। इसके बाद आवेदन को स्वीकृत कर दिया जाएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो आवेदक epfigms.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन्हें एक नॉमिनेटेड अधिकारी के स्तर पर निपटाया जाएगा। तो इस तरह से आप अधिक पेंशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट और चैनल पर बने रहिए।